हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रेस तो हर किसी की लाइफ में होता है और ये किसी के कंट्रोल में नहीं होता है, चाहे रीज़न कुछ भी हो। लेकिन हम हमारे शरीर को स्ट्रेस के साइड इफेक्ट से बचा सकते हैं। बेसिकली स्ट्रेस लेने से हमारी हार्ट बीट इंक्रीज़ होती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हेयर फॉल होने लगता है, समय से पहले वाइट हेयर आने लगते हैं। और इसका एक मेन जो सिम्टम है वो ये है कि अगर स्ट्रेस की वजह से वाइट हेयर हो रहा है तो आपके साइड से और पीछे जो नीचे की ओर से वहाँ से वाइट होना स्टार्ट होगा, और जो बियर्ड है वो पहले वाइट होना स्टार्ट होगा। किसी और कारण की वजह से अगर वाइट हो रहा है तो ओवरऑल सर के बाल वाइट होते हैं, लेकिन स्ट्रेस की वजह से साइड से और बियर्ड के बाल वाइट होने लगते हैं, ये आप नोट कीजिए। देन इसके अलावा समय से पहले रिंकल्स आने लगती है, स्किन लूज होने लगती है, भूख नहीं लगती है, डाइजेशन खराब होता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होने लगती है, कमज़ोरी आने लगती है, थकान महसूस करते हैं, नींद सही से नहीं आती है और कई तरह की बीमारियाँ होने लगती हैं। तो अब स्ट्रेस के साइड इफेक्ट से कैसे बचना है, इसके लिए सबसे पहले हमें रीज़न जानना ज़रूरी है कि स्ट्रेस के वजह से ये सब प्रॉब्लम क्यों होती है, तभी हम सॉल्यूशन के ऊपर अच्छे से वर्क कर पाएंगे। दरअसल स्ट्रेस लेने से हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन प्रोसेस ज़्यादा होने लगता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और टॉक्सिन्स लेवल हमारे शरीर में बढ़ने लगता है, और यहीं से ये सारे प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगती है। तो अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन नंबर वन, आपको डेली एटलीस्ट 10 मिनट अनुलोम विलोम करना है। आप चाहे तो इससे ज़्यादा कर सकते हैं, बेनिफिट होगा, इससे कम नहीं करना है। मिनिमम 10 मिनट आप अनुलोम विलोम कीजिए, इससे आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा बढ़ने लगेगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कम होगा, टॉक्सिन लेवल शरीर में कम होने लगेगा। अब अनुलोम विलोम कैसे काम करता है, इसके पीछे का साइंस क्या है, लॉजिक क्या है, अगर आपको ये जानना है तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक डिटेल्ड में वीडियो बना के रखा है। आप फ्री टाइम में प्लीज़ उस वीडियो को देखिए। आई एम श्योर एक बार आप अगर देखेंगे फ़ायदा जानकर आप रेगुलर अनुलोम विलोम करने पर मजबूर हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और वीडियो एंड होने के बाद एंड स्क्रीन पर आप ऑप्शन देख पाएंगे, क्लिक करके देख सकते हैं। सॉल्यूशन नंबर टू, इफ़ इन केस अगर आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, अनुलोम विलोम के लिए टाइम निकाल नहीं भी पा रहे हैं, और आप स्कूल कॉलेज या ऑफिस में जाते हैं, तो सीधी सी बात है सबके सामने अनुलोम विलोम नहीं कर पाएंगे, हिचकिचाएंगे, राइट? तो एक बेटर ऑप्शन ये भी है कि आप बैठे बैठे डीप ब्रेथ ले सकते हैं। मीन्स गहरी सांस आपको लेना है, स्लोली लेना है, जितना ज़्यादा हो सके एट ए टाइम गहरी सांस लीजिए, लंग्स को कम्प्लीटली फिलअप कर लीजिए। अब जैसे कि मान के चलिए अगर आप 2 सेकंड में गहरी सांस लेते हैं, उसके बदले आप कोशिश कीजिए कि 8 से 10 सेकंड आप लगा रहे हैं सांस को लेने में, स्लोली लीजिए एंड देन कुछ सेकंड उसको होल्ड कीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। ये प्रोसेस आप करते रहिए बैठे बैठे, जब भी आपको टाइम मिले, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और इससे क्या होगा कि एट ए टाइम जो आप सांस ले रहे हैं, मैक्सिमम आप ऑक्सीजन ले पाएंगे, अपने लंग्स को ऑक्सीजन फिलअप कर पाएंगे। इससे क्या होगा कि आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कम होगा और टॉक्सिन्स लेवल कम होने लगेंगे। सॉल्यूशन नंबर थ्री, आप ज़्यादा से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड खाइए, जैसे कि विटामिन सी विटामिन ई रिच फूड आप ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। आंवला, नींबू, संतरा, मौसम्बी, देन पाइनएप्पल, अनार, इन शॉर्ट फ्रूट्स एंड सैलड्स आप ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, ये हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कम करता है, टॉक्सिन लेवल को कम करता है। सॉल्यूशन नंबर फोर, आप डेली मिनिमम 10 मिनट कपालभाति कीजिए, क्योंकि स्ट्रेस से हमारा डाइजेशन प्रोसेस खराब होता है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होने लगती है। तो अगर आप रेगुलर कपालभाति करेंगे तो आपके डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका डाइजेशन सही रहेगा, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होगी। अब कपालभाति कैसे काम करता है, इसके पीछे का साइंस क्या है, लॉजिक क्या है, अगर आपको ये जानना है तो इसके लिए भी ऑलरेडी मैंने एक डिटेल में वीडियो बना के रखा है। आप प्लीज़ फ्री टाइम में उस वीडियो को देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और आप चाहे तो वीडियो एंड होने के बाद साइड स्क्रीन में आप ऑप्शंस देख पाएंगे, आप उस ऑप्शन को क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज से ही आप ये 4 सॉल्यूशन के ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए, आई एम श्योर आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। साथ ही साथ इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड और फैमिली को शेयर कीजिए जो ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, और उनको स्ट्रेस के साइड इफेक्ट से बचाइए। आई एम श्योर आपको बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हालांकि ये तुरंत आपको रिजल्ट दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी और जब आप आपके सेम उम्र वालों के साथ कंपेयर करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप उनसे कहीं ज़्यादा यंग दिखेंगे, फिट एनर्जेटिक दिखेंगे, और हो सकता है कि उनके हेयर वाइट हो और आपके वाइट हेयर ना हो। जैसे कि आप मुझे ऑब्जर्व कर सकते हैं, अभी मैं 34 रनिंग हूँ, बहुत जल्द मैं 34 क्रॉस करके 35 में लगने वाला हूँ, स्टिल अभी तक मेरे वाइट हेयर नहीं आए। बीएड भी आप देख सकते हैं ब्लैक है, स्किन भी सही सलामत है, सब कुछ वेल मेंटेन्ड है, जस्ट बिकॉज कि मैं योग एक्सरसाइज कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे लाइफ में स्ट्रेस नहीं है, मेरी लाइफ में भी बहुत स्ट्रेस है, लेकिन मैं स्ट्रेस के साइड इफेक्ट से अपने आप को बचा रहा हूँ नेचुरल तरीके से, योग एक्सरसाइज करके।
आई होप वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, क्लियर है। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, तो आप यहाँ पर यूट्यूब में कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट का रिप्लाई करूँगा, गौर करूँगा। अगर आप मुझसे पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए जनरेटिव्स के साथ। धन्यवाद।